वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अपने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के हम पांचवें वीडियो लेक्चर में आ चुके हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं जो हमारा जेफेट था उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, उसमें क्या था कि हम आईडी वर्सेस वीडीएस का वेरिएशन देख रहे थे, ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे कि वीजीएस की वैल्यू को कॉन्स्टेंट रख रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि आईडी वर्सेस वीजीएस का वेरिएशन कब, जब हमारी VDS की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट कर लेंगे तब हम देखेंगे कि कैसा हमें ग्राफ का एनालिसिस मिलता है। तो बेसिक डायग्राम अगर मैं फिर से बनाना चाहूं बहुत जल्दी से, कुछ रीजन लेते हैं, एन टाइप सब्सट्रेट, उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग की, डोपिंग की तो जंक्शन फॉर्म हुए, जंक्शन मतलब की लेयर्स फॉर्म हो गई, और ये लेयर्स 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 ये लेयर्स फॉर्म हुई। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है, इसकी हमने रिवर्स बायसिंग की, VGS की वैल्यू को वैलिडेट कराना है, तो मतलब यहाँ भी हमने बायसिंग की। ओके, ये आपका क्या है, सोर्स टर्मिनल है। ठीक, ओके, अब देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये रिवर्स बायसिंग, ये भी रिवर्स बायसिंग, और ये आपका हो गया गेट। अब मैंने क्या कहा कि अब हम VDS की वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे। मान लिया मैंने इसको 1 वोल्ट पे सेट किया, VDS की वैल्यू को 1 वोल्ट पे सेट करेंगे, अब क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरह से बढ़ेगी। इसका रीजन बताया, इसका शेप ऐसा ही क्यों आ रहा है। अब देखिए ये लेयर हमारी ऐसे कुछ फॉर्म हो गई, ठीक है, डिप्लीशन लेयर ऐसे फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे हम फर्दर VDS में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या मिलेगा। ठीक, देखिए अब यहां पे जब हमने VDS की वैल्यू को 1 वोल्ट पे फिक्स किया, ये डिप्लेशन लेयर फिक्स हो गई, अब हम VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे, क्या होगा, VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, VDS की वैल्यू बढ़ाने से होगा क्या कि यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे, यानी कि यहां पे जो करंट मिल रही होगी, ड्रेन करंट, वो क्या होगी, अभी जब इसकी चैनल भी ज्यादा है तो क्या होगी, ड्रेन करंट ज्यादा होगी, मतलब कि अभी इस केस में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखिए तो मैंने कब, जब VDS 0 वोल्ट था, तो 0 वोल्ट पे जो करंट मिल रही होगी, ड्रेन करंट IDSS, वो क्या होगी, मैक्सिमम ड्रेन करंट होगी, तो यानी कि IDSS मैक्सिमम ड्रेन करंट मिल रही होगी। अब VDS को चेंज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने VDS को 1 वोल्ट किया, VDS को 1 वोल्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, VDS को 1 वोल्ट करेंगे तो कुछ ऐसा रीजन, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग यूनिफॉर्म होगी तो कुछ ऐसी लेयर फॉर्म होगी दोनों साइड्स में, ठीक है, चैनल विड्थ और कम होगी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास कर रहे हैं वो और कम हो जाएंगे, डेंसिटी और वेलोसिटी अब नहीं इंक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि हमने VDS को एक पार्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स कर दिया, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल को पास कर सकते थे कि ड्रेन से सोर्स पहुंच सके वो पहुंच गए, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हुए थे। VDS को आपने -1 वोल्ट किया, चैनल को कट दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे थे वो क्या हो गए, और कम हो गए, कम हो गए तो ड्रेन करंट आपकी फर्दर क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मान लिया माइनस, जब हमने VDS की वैल्यू 1 वोल्ट रखी, 0 रखी तो मैक्सिमम करंट मिलेगी, जैसा कि हमने पिछले भी देखा था कि मैक्सिमम करंट मिलेगी कब, जब आपका VDS ज्यादा होगा पिंच ऑफ से, और VDS की वैल्यू क्या होगी, 0 मैक्सिमम। -1 वोल्ट किया, ऐसे ही कुछ लेयर्स बन गई, यानी कि रीजन कम हुआ, करंट और कम हो जाएगी, तो करंट कम होना स्टार्ट करेगी। अब मान लीजिए ये मेरा क्या है, मान लिया ये -1 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है, ये -4, स्केलिंग सही नहीं है, आप समझ सकते हैं, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये आया। अब VDS 1 ही वोल्ट रखा, अगर मैं इसको कर दूं VDS -2 वोल्ट, डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए चल कम हो रही है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी है कि वो सोर्स से ड्रेन पहुंच सके, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कम हो जाएंगे, यानी कि ड्रेन करंट आपकी और कम हो जाएगी, ठीक है,
तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, ठीक, ये पॉइंट मिला हमको। अब क्या किया कि 3 वोल्ट करेंगे, चैनल और कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहे हैं वो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे, और ऐसा हमारा कुछ कर्व मिल जाएगा। और क्या होगा कि जब आपका VGS एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर आपको ड्रेन करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी हम ऐसे स्केलिंग कुछ करेंगे। यूनिफॉर्मली हम बात करें तो कर्व कुछ ऐसा मिलता है जो मैं करेक्टेड फॉर्म में बनाना चाहूं, IDSS ऐसा कुछ कर्व मिलता है पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो मैं करेक्शन करता हूं और ये ऐसा कर्व कुछ मिलेगा, ब्लू वाला पोर्शन, समझ गए। ये मैंने किसकी वैल्यू के लिए ड्रॉ किया, 1 VGS की वैल्यू के लिए। अब मान लीजिए मैं 2 वोल्ट कर देता हूं, 2 वोल्ट कर दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिल गई है, तो दूसरा कर्व मैं जब प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसे प्लॉट होगा, लेकिन ये वोल्ट है जहां पर हमने VGS को किसके बराबर रख दिया है, पिंच ऑफ के बराबर, वहां पर ड्रेन करंट हमारी 0 हो जाएगी। तो ये जो वोल्ट, ये जो पॉइंट मिलता है जहां पर ड्रेन करंट हमारी क्या हो जा रही है, 0, उसको हम क्या बोलते हैं, गेट कट ऑफ वोल्टेज। गेट कट ऑफ वोल्टेज है, यानी कि जब हम VGS को VP के बराबर रख देंगे तो होगा क्या कि हमारी ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा वर्जन किसमें, IDSS यानी कि ID और VGS यानी कि ड्रेन करंट, और VGS जो कि हमारा वोल्टेज कंट्रोलिंग कर रहा था डिवाइसेस की, उसके वेरिएशन का। जब हमने VDS की वैल्यू फिक्स कर रखी है, यहाँ पे 2 वोल्ट थी, और इस VDS के लिए यहाँ पर VDS की वैल्यू कब के लिए 1 वोल्ट, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।